नवी मुंबई नेटवर्क। काही युवासेनेचे पदाधिकारी होते, फक्त नावाला पदं घेतले आणि नुसतं फिरायचे, मागं पुढं स्पॉटिंग करायचे, गाडीला सायरन लावायचे। प्रभागात नेते मंडळी आल्यावर मग तिथं सांगायचे हे नगरसेवा हां हे दौऱ्यावर असतात, मग काम कोण बघतं? वडील बघतात। नेताओं की जी हजूरी कर नवी मुंबई में युवा सेना में नामधारियों की कार्यशैली और इन्हीं नामधारियों द्वारा सायरन बाजी कर काम करने का ढोंग रचने वालों के खिलाफ अब नवी मुंबई शिंदे गट के पूर्व नगर सेवक ममित चौगले के नेतृत्व में नवी मुंबई के तमाम युवा सेना के पदाधिकारी एक्टिव मोड में आ चुके हैं। कल्याण के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के आदेशानुसार नवी मुंबई में अब नए सिरे से युवा सेना की ताकत का परचम फहराने, युवाओं के प्रश्नों का निराकरण करने और बेरोजगार युवाओं को नौकरी प्रदान करने के मकसद के साथ ममित चौगले युवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक ममित चौगले के नेतृत्व में युवा सेना नवी मुंबई द्वारा दिघा एरोली विभाग युवा संवाद बैठक का आयोजन एरोली स्थित सुनील चौगले स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सभागृह में आयोजित किया गया। इस बैठक में ममित चौगले ने सभी युवा सेना सदस्यों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के माध्यम से महाराष्ट्र की आम जनता के हितों के लिए लिए गए सभी लोक कल्याण उपक्रम की जानकारी देते हुए इन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस दौरान इस बैठक का मुख्य एजेंडा रहा श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजना, शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष की सुविधा की जानकारी और MIDC परिसर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाकर उन्हें सक्षम बनाने की योजनाओं को अमल में लाकर तमाम योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाना। गौरतलब है कि श्रीकांत शिंदे ने नवी मुंबई करो के हित को ध्यान में रखते हुए ममित चौगले और तमाम युवा ब्रिगेड टीम के माध्यम से ग्राउंड वर्क पर काम करने की अब शुरुआत कर दी है। गौरतलब है कि अब तक युवा सेना के नाम पर कुछ दबंग लोगों द्वारा अपना राज्य के उल्लू सीधा करने के कारण कहीं न कहीं युवा सेना की ताकत नवी मुंबई में कमजोर हो रही है और जनता के प्रश्न अनुत्तरित रहे हैं, मगर जनसेवा पर विश्वास रखते हुए स्वर्गीय आनंद दिघे के पदचिन्हों पर चलते हुए श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में ममित चौगले ने अब ग्राउंड पर उतर कर आम जनता की सेवा करने का दृढ़ संकल्प ले लिया है। इस दौरान एरोली दिघा प्रभाग के असंख्य युवा पदाधिकारियों की मौजूदगी में युवा संवाद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस दौरान नवी मुंबई नेटवर्क से बात करते हुए ममित चौगले ने कहा कि उन्होंने आज की बैठक के माध्यम से संकल्प लिया है कि जिथे कमी तिथे आम्ही और इस वृद्धभाग्य के साथ काम करते हुए आगामी 10 से 15 दिनों में नवी मुंबई का अहवाल सांसद श्रीकांत शिंदे को सुपुर्द कर नवी मुंबई के प्रश्नों का निराकरण किया जाएगा। आज युवा सेनेची मीटिंग आयोजित करण्यात आली। खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या आदेशानुसार आम्ही आज ही मीटिंग घेतली। एक बांधणीला आम्ही सुरुवात केली युवा सेनेच्या नवी मुंबईतील। आज दिघा ते ऐरोली हा परिसर होता, आज ही मीटिंग झाली। युवक आले सगळे बऱ्याच प्रमाणे आले, एक कमी होती कुठेतरी युवा नेतृत्वाची, ती आज कुठेतरी भरून आली आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदेच्या यांच्या मार्गदर्शनानुसार। आणि आजपासून आम्ही निश्चय केले की आम्ही आजपासून कामाला लागणार आहे। घरोघरी दारोदारी जिथं कमी तिथं आम्ही, या पद्धतीने आम्ही सगळ्यांकडे पोहोचणार आहे। मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना असेल, शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्ष असेल आणि श्रीकांत शिंदे फाउंडेशनच्या माध्यमातून आम्ही लोकांना ही जी योजना आहे ही घरोघरी पोहोचवणार आहे। आणि जे बेरोजगार आहे त्यांच्यासाठी
कुठे जॉब्स अवेलेबल होतील किंवा कुठे त्यांना लावता येईल, कारण की आमची मीटिंग होती डॉक्टर साहेबांची, तर ते बोलले की जेवढे बेरोजगार असतील, आपले MIDC असेल किंवा अन्य तिथं कंपन्याज असतील, तर त्या माध्यमातून या लोकांना आम्ही नक्की विचार करू. आम्ही हा विषय डॉक्टर साहेबांना सांगणार आहे की आज आमच्या पूर्ण एशियामध्ये ह्या नवी मुंबईत एवढी मोठी MIDC असूनसुद्धा आमचे युवक सगळेच बेरोजगार आहे. कारण की आपण बघतोय की MIDC कुठला तरी एक गट सगळे कामं घेतात आहे, करतात आहे. मला वाटते एक युवकांनी एकत्र येऊन या युवकांना न्याय कसं देता येईल, यांना कामाला कसं लावता येईल, हे ह्यांचा ह्याच्यावर आमचं जास्तीत जास्त भर असणार आहे. मला आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी सांगितलं की ह्या येत्या 10 ते 15 दिवसात पूर्ण नवी मुंबईचा हा अहवाल द्यायचा आहे युवा सैनिकांचा. आम्ही सगळेच आमचे कार्यकर्ते असतील, बबलूजी असेल, गणेश असेल, चेतन असेल, शुभम आहे, मयूर जाधव आहे, अमित आहे, बरेच कार्यकर्ते आम्ही मिळून कामाला लागू. पण युवा सेना पदाधिकारियों के नाम पर पद लेकर घूमने वालों पर टॉन्ट कसते हुए ममित चौगले ने कहा कि आगामी नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में ऐसे लोगों को जनता ही सबक सिखाएगी. बऱ्याच वर्षातून ही युवा सेनेची मीटिंग झाली, कारण की यापूर्वी नुसतं काही युवा सेनेचे पदाधिकारी होते, फक्त नावाला पद घेतले आणि नुसतं फिरायचे, मागं पुढं स्कॉटिंग करायचे, गाडीला सायरन लावायचे आणि प्रभागात नेते मंडळी आल्यावर मग तिथं सांगायचे हे नगरसेवा हां हे दौऱ्यावर असतात, मग काम कोण बघतं, वडील बघतात, हे असे काही नेते मंडळी होती. आणि मला वाटते या आता इलेक्शनसुद्धा येणार आहे आणि लोक नक्कीच त्यांना त्यांची जागा दाखवतील. ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.